जहां दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी भी बहुत चर्चा में है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर हमले करते हुए 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल, जिसमें उनका पहला सवाल यह है कि क्या किसी भी तरह बेईमानी करके सत्ता हासिल करना आपको या आरएसएस को ये मंजूर है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपी को उप मुख्यमंत्री बना देने की कल्पना आपने या आरएसएस कार्यकर्ताओं ने की थी? तीसरा सवाल, बीजेपी वो पार्टी थी जो आरएसएस की कोख से पैदा हुई, क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को ये सब गलत काम करने से रोका? जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। देश जानना चाहता है कि उनके बयान से आपके दिल पर क्या गुजरी। और पांचवा सवाल जो बहुत अहम है वो ये है कि आप सब ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर्ड हो जाएंगे, क्या मोदी जी पर लागू नहीं होगा? वैसे अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर 2 दिन पहले भी वो बयान दे चुके हैं। एक चुनावी रैली में उन्होंने ये सारे सवाल पूछे थे, जिससे आज उन्होंने चिट्ठी का रूप दे दिया।